यहां आपको बताएं कि कराची से छीनी गई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां दूसरे सूबों में किस तरह मुंतकिल होती है, मलीर पुलिस ने पता लगा लिया और तीन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट मुलायजा कीजिए नुमान गुल की। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलव्वस बलूचिस्तान जिले लसबेला थाना विंदर के दो एहलकार गिरफ्तार। तफ्तीश करने पर हैरान कुन इंकशाफात भी सामने आए। मुलजमान की गिरफ्तारी से मुतालिक SSP मलीर इरफान बहादुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शहर कायद से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलव्वस दो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी स्टील टाउन से अमल में लाई गई। SSP मलीर ने बताया कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलव्वस दोनों मुलजमान बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार हैं। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों की शनाख्त आसिफ और अब्दुल कादिर के नाम से हुई है। दोनों एहलकार बलूचिस्तान के जिले लसबेला विंदर थाने में तैनात हैं। SSP मलीर इरफान बहादुर ने बताया कि मुलजमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चोरी करने के बाद उन्हें बलूचिस्तान ले जाते थे और फरोख्त कर देते थे। मुलजमान ज्यादातर गाड़ियां बलूचिस्तान के इलाके पंचगोर में फरोख्त करते थे। मुलजमान को दौराने चेकिंग कहीं रोका जाता तो वो पुलिस का कार्ड दिखा कर निकल जाते थे। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों से मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें AVLC के हवाले कर दिया गया, जहां उनसे मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजमान से मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। नुमान गुल, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।